हाथ पकड़ ले, अंदर जाना है। तो आज चाचा तो यहाँ भी नाम लिखे जाते हैं जैसे हर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। सुबह का बज रहा अभी 5:30, नहा के आ गया हूँ और आज जाना है हमें कुरुक्षेत्र पेवे। तो अभी और आज है व्रत भी है, सोमवार है, सोमवती अमावस्या है, तो व्रत भी है और जाना भी है कुरुक्षेत्र, बड़ी मम्मी की गति कराने पेवे। कुरुक्षेत्र के में ही पड़ता है वो, तो पहले चाचा के पास जाऊंगा, फिर चाचा मैं और रजत जा रहे हैं, तो तैयार हो जाता हूँ। शिवा अभी भी सो ही रखा है आराम से, थोड़ा हल्का सा उठा था फिर सो गया, इधर ये पढ़ाई कर रही है। तो पहले जल चढ़ा लेते हैं शिवलिंग पे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अभी ये बना रही है चाय, पहले मैं ना खा रहा हूँ फ्रूट्स, थोड़े से चाय पीऊँगा फिर चले जाऊँगा। ना मैं नहीं खा रहा ना। तो अभी आ गए हूँ इधर बड़ी अम्मी और के यहाँ पे। तो गाड़ी स्टार्ट करिए थोड़ी देर, पहले तो रजत को लेने जाऊँगा, बाइक अंदर करता हूँ अभी, गाड़ी बाहर निकाल के। चाचा भी आ गए, चलते पहले रजत को लेने रजत के घर पे। पहुंच गए हैं बुआ और यहाँ पे। अंदर चलते आ गए। तू एक काम कर, सीधा बिहारी गढ़ लो आ जा, यहाँ तो पकड़ लेंगे तुझे हम, है कि नहीं? हे गाइस, अभी पहुंच गए हम पेवे और चलते हैं अब जहाँ पे जाते हैं घाट पे। गाड़ी खड़ी कर दी यहाँ पे,
और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। भीड़ बहुत है आज ना यहाँ पे, पहुँच गई यहाँ से थोड़ा अंदर जाना है अब तो। आज सोमवती अमावस्या के उसमें ना भीड़ बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो खैर हमें कुछ एक डेढ़ घंटा लगा के मिल गए हमारे जो पुरोहित हैं। हमारे नाम भी मिल गए। आप उमेश जी हैं? राजकुमार आ रहे हैं। राजकुमार के पहुंच गए। तो ये है सरस्वती। हमें भी धोने का हाथ पैर पूछ जरा। पाकिस्तान वाले तो अभी करा रहे हैं पूजा। चाचा बैठ गए, गति कराने आ रखे हैं हम बड़ी मम्मी की। पंडित जी समझा रहे हैं कि कैसे कैसे करते हैं, जब किसी की दिया नहीं जलता तो यहाँ आते हैं फिर गति कराने। तो अभी आ गए हम यहाँ पे। क्या नाम उनका? राजकुमार भारतीय जी। राजकुमार के लड़के कितने हैं? तो यहाँ भी नाम लिखे जाते हैं जैसे हरिद्वार में लिखे जाते हैं। फोन मार दो, हमारे नाम लिखे गए और साइन आउट हो गए। ये इन्होंने अपना कार्ड दे दिया है। छापे नहीं, कुछ मेरे भी दिमाग से उतर गया। और ये इनका नंबर है। तो अब कुछ खाने पीने आ रखे हैं इधर। तो आ गए गाड़ी के पास। सही रहा भाई सीन है। तो अभी हम हैं यमुना जी ब्रिज पर। ये यमुना जी बह रही है इधर। Thank you.
तो अभी आ गए हैं घर पे हम, बज रहा है 6:30। गाड़ी खड़ी कर दी इधर, ठीक है। अच्छा चले भाई। तो हे गाइस, अभी आ रखा हूँ मैं बुआ के यहाँ पे। थक गया भाई, थकान तो बहुत ज्यादा हो गई है। इधर बना रही है बुआ चाय। बहुत बुरे हाल हो गए यार, बुआ चाय लेके आ गई। तो हे गाइस, तो हेलो दोस्तों, अभी आ गया हूँ मैं घर पे। बज रहा है रात का 8। तो पहले बुआ और के गया था रजत को घर पे, उसको ड्रॉप करने। फिर वहाँ से आया, पहले बुआ और क्या पी थी मैंने चाय। और शिवा यहाँ पे, तो ये आलू काट रही है।
तूने क्या खाया था दिन में आज? जी, आलू। आलू राज, आलू और दही। आलू खाऊंगा और अब दही खाऊंगा मैं। मैंने ना कैसे रखा तूने व्रत आज? पता नहीं मनसा हुआ। रखते कितने टाइम बाद ना, करो चौथ के रखते थे, मगर करो चौथ का चलो रखते ही हैं। काफी मतलब 3 साल हो गए। मेरा भी तो मन ऐसे करा, मैंने रख लिया। 3 साल बाद रखा होगा मैंने, मतलब ऐसे व्रत वगैरह ना। और ये ना गाड़ी वहीं से लेके आए हम पेहवे से, और एक एक क्यूब चाचा ने दिलाई शिवा को गाड़ी। अब बैठा हुआ इस पे खेल रहा। अच्छी लगी आपको? किसने दिलाई है? किसने 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 दिलाई है? दाऊ ने, दाऊ ने, दाऊ ने दी, दाऊ ने भेजी आपके लिए। दिखा तो दे एक बार कैसी है। मस्त लग रही है ना गाड़ी। गाड़ी कौन सी है? थार। थार, थार। तो हे गाइस, अभी मैंने दही और आलू खा लिए थे, तो व्रत भी रख रखा था मैंने आज, तो वहाँ से भी आ गए थे। थकान बहुत हो रखी है, अब करीबन बज गया है 9, और थोड़ी देर में करते हैं आराम और सो जाएंगे। और पेवे हम लोग इसलिए जाते हैं, जैसे किसी की अनिश्चित काल डेथ हो जाती है ना, मतलब किसी का जैसे दिया बाती नहीं होती किसी की, या किसी की हॉस्पिटल में डेथ होती है या किसी और वजह से, तो वहाँ पे कुरुक्षेत्र से थोड़ा सा आगे है पेवा, तो वहाँ पे जाके गति करानी पड़ती है जिसकी डेथ होती है उसकी। तो वहाँ पे सरस्वती नदी है जो कृष्ण भगवान ने बुलाई थी जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था ना, तो इतने बंदे मरे थे उसमें युद्ध में, तो कृष्ण भगवान ने बोला कि वहाँ कहाँ गया जी जाएंगे, गया जी होती है वैसे गति ना, तो कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र से थोड़ा सा आगे पेवे में सरस्वती नदी को बुला लिया था, तो वहीं पे गति उनकी हुई थी। जो भी सारे कुरुक्षेत्र में जिनकी डेथ हुई थी, जो आपस में लड़के मरे थे या डेथ हुई उनकी, तो इसीलिए गति वहाँ पे कराने जाना पड़ता ही है। जैसे मतलब डेथ होती है तो सबसे पहली सोमवती अमावस्या के दिन जाया जाता है वहाँ पे। अब जैसे आज के दिन सोमवती अमावस्या पड़ी थी तो गए थे वहाँ पे। अब जिसका जिस टाइम आता है, मतलब जैसे डेथ होती है एक साल बाद भी आती है, एक साल में एक बार आती है वैसे सोमवती अमावस्या ना, तो वहाँ पे जाना पड़ता है। तो ये था जाने का हमारा वहाँ पे पेवे में, वैसे पेहुआ बोलते पेहुआ, लेकिन हम जो पंजाबी हैं वो बोलते पेवा, पेवा बोलते पेवा। तो अब करते हैं ब्लॉग का एंड, और आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करना, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बाय बाय।